नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 मई चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए चौथे अपडेट तक 142 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1320 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 5, ईस्ट चंपारण में 3, सीतामढ़ी में 1, मधुबनी में 16, कैमूर में 2, अरवल में 3, बक्सर में 3, पटना में 57, नालंदा में 1, सारण में 1, रोहतास में 14, बेगूसराय में 1, किशनगंज में 2, सुपौल में 3, सहरसा में 3, मधेपुरा में 2, कटिहार में 1, पूर्णिया में 1, जमुई में 2, खगड़िया में 11, बांका में 8 और मुंगेर में 1 मामले मिले हैं। देश में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं बंद के चौथे फेज में कई तरह की छूट दी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को पहले की तरह बंद रहने का आदेश दिया गया है। वहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही डोमेस्टिक फ्लाइट के परिचालन पर फिलहाल रोक लगाई गई है। वहीं जिन चीजों में छूट दी गई है उसमें रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरीके से बंद के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं हफ्ते में 3 दिन ही दुकानों को खोला जाएगा, इस बात का भी फैसला लिया गया है। वहीं राज्य सरकार अपने राज्य के भीतर बस और दूसरे पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन का फैसला ले सकती है। बिहार में 560 प्रवासी श्रमिक पाए गए कोविड-19 से पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बिहार में अकेले प्रवासी श्रमिकों की सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बीते दिन सुबह 10 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक पाए गए मामलों में 560 मामले ऐसे हैं जो सिर्फ प्रवासी मजदूरों के पाए गए हैं। खबरों की माने तो अब तक राज्य में 44,340 सैंपल की जाँच की जा चुकी है। हर दिन की दर से लगभग 1800 सैंपल को एकत्र किया जा रहा है और उसकी जाँच की जा रही है। वहीं प्रवासी मजदूरों की लगातार आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में प्रभावितों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में 14 लाख परिवारों को अनाज मिलने का रास्ता हुआ साफ। बिहार में 14 लाख किसान को अनाज अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की तरफ से 14 लाख लाभुकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसकी जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने दी है, जिसकी अब जाँच पड़ताल NIC करेगी। उसके बाद जांच से पता लगाया जाएगा कि कोई नाम दो बार तो नहीं रिपीट हो गया है या फिर पहले की सूची में कोई दूसरा नाम दूसरी सूची में तो नहीं आ गया है। इस जांच के बाद नई सूची को जारी किया जाएगा और फिर सभी लोगों को अनाज आवंटित किया जाएगा। आपको बता दें, कोविड-19 के जारी माहौल में कमजोर तबके के लोगों को खाने पीने की समस्या आन पड़ी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसे लोगों की मदद के लिए मुफ्त में राशन बांटने का ऐलान जारी किया है। पटना में 57 होटल और रेस्टोरेंट को मिली होम डिलीवरी की इजाजत। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार में सभी होटल और रेस्टोरेंट को बंद करने का ऐलान जारी किया गया था। वहीं राजधानी पटना में एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को वापस लाने के लिए और लोगों की दिनचर्या को सामान्य करने के लिए सरकार ने पटना में 57 होटल और रेस्टोरेंट को खोलने का ऐलान जारी किया है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अभी होटल और रेस्टोरेंट में घर पर होम डिलीवरी करवाई जाएगी, यानी कि लोग अभी रेस्टोरेंट या होटल में खाने के लिए नहीं जा सकते, सिर्फ अपने घर पर होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। AIDS के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोविड-19 जहां बिहार में सबकी परेशानी का सबब बना हुआ है, वहीं बड़ी तेजी से बिहार में AIDS और JE के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि बड़ी संख्या में आए प्रवासी मजदूरों को देखते हुए पंचायत एवं ग्राम स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, साथ ही AIDS से बचाव के लिए निरंतर जागरूकता मुहिम को चलाया जाए। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस समय बिहार में कोविड-19 को भी रोकना है और AIDS के रोकथाम के लिए भी जरूरी कदम उठाने अहम है। पटना में एक साथ मिले 56 नए पॉजिटिव केस। राजधानी पटना में कोविड-19 का कहर लगातार बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बीते दिन दूसरे अपडेट तक पटना में 57 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ राज्य में कोरोना प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1250 को पार कर चुकी है। पाए गए मामलों में सबसे ज्यादा पटना में BMP के 21 जवान कोविड-19 से प्रभावित पाए गए हैं, जिसके बाद सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक बार में पटना में अब तक का सबसे ज्यादा मामला सामने आया है। वहीं पटना में प्रभावितों की कुल संख्या 160 को पार कर चुकी है। बिहार में इस बार 5 दिन की देरी से आएगा मॉनसून। बिहार में मॉनसून की एंट्री इस बार देरी से होने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सीमांचल के रास्ते बिहार में मॉनसून की एंट्री होगी। वहीं इन दिनों के बाद पटना में मॉनसून पहुंचेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान जारी करते हुए यह बताया है कि 5 जून को केरल के रास्ते मॉनसून देश में प्रवेश करेगा और फिर 13 जून को यह बिहार में आ जाएगा। सबसे पहले पूर्णिया जिले में देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर 14 से 15 जून को कोची और दरभंगा के इलाके में मॉनसून आएगा। पटना में मॉनसून 16 जून को पहुंचेगा। इससे पहले बिहार में 8 जून को मॉनसून प्रवेश कर जाता था, मगर इस बार मॉनसून की एंट्री थोड़ी देर से होने वाली है। बिहार में लाखों मजदूरों को मिलेगी रोजगार। कोविड-19 के
वजह से पूरे देश में बंद का माहौल है। ऐसे में अधिकांश कारखाने पूरी तरीके से बंद है और यही वजह है कि मजदूर अब वापस अपने राज्य लौटने लगे हैं। और इसी क्रम में बिहार में बीते कई दिनों से लाखों मजदूर वापस आए हैं, जिसके बाद अब सरकार ने बिहार लौटे मजदूरों को गांव में ही काम देने का ऐलान जारी किया है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक लाखों मजदूर आ चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी विभाग को रोजगार के अवसर बढ़ाने का निर्देश जारी किया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने बिहार में लाखों श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बिहार सरकार द्वारा दी गई राशि को किया वापस। बंद में हजारों फंसे प्रवासी मजदूर को लेकर बिहार सरकार ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मदद की एवज में राशि भेजी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने बिहार सरकार की राशि को वापस कर दिया है, जिसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि आपके अधिकारियों का पत्र मिला है, जिसमें आपने बंद के चलते हरियाणा में फंसे बिहार के नागरिकों के बारे में चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के एवज में धनराशि देने का प्रस्ताव दिया है। आपकी चिंता उचित है और प्रशंसनीय भी है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रत्येक भारतीय नागरिक उतने ही है जितने उन राज्यों के हैं। जीडीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कोविड 19 के रोकथाम के लिए पुलिसकर्मियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कोविड 19 से संक्रमित क्षेत्र का दौरा करते हुए बीते दिन छपरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सारण कमिश्नरी के विभिन्न पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक भी की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अपनी जान हथेली पर रखकर सिपाही सबकी सेवा करते हैं, इसलिए पुलिस वालों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बचाव के लिए पुलिस वाले जो भी सामान खरीदना चाहते हैं वह खरीद सकते हैं, क्योंकि बिहार की 12 करोड़ आबादी को बचाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और ऐसे में अगर पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ेगा तो फिर आम नागरिकों की रक्षा कौन करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते कई दिनों से कोविड 19 की चपेट में पुलिसकर्मियों के आने की खबर लगातार सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य को 12,922 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिलने का किया दावा। बीते दिन भारत के पांचवें किश्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काफी सारी घोषणाएं की थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा बिहार सहित अन्य राज्य सरकार की मांग पर कर्ज लेने की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया है, जिस पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे बिहार को बड़ा फायदा होगा। राज्य सकल घरेलू उत्पाद से 3 से बढ़ाकर 5% करने पर बिहार के 12,922 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लेने की क्षमता बढ़ गई है। पहले 39,341 करोड़ के ऋण लेने की अनुमति थी। प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए पूरी तैयारी में है नीतीश सरकार। प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए तैयारी बिहार सरकार ने पूरी कर ली है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए कुछ प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। उसमें आधार कार्ड और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सभी जिलों के डीएम से प्रवासी मजदूरों का ब्यौरा मांगा गया है। वहीं सरकार ने इसके लिए फॉर्म बनवाया है। इस फॉर्म में प्रवासी मजदूरों को नाम, उनके पिता या पति का नाम या उसके साथ बिहार लौटे परिवार के सभी सदस्यों का नाम आधार नंबर के साथ मांगा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से धैर्य और संयम रखने को कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कोशिश करते हुए दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने का काम कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल इसके बावजूद भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से बिहार सरकार ने फैसला किया है कि दूसरे राज्य में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों को बुलाया जाएगा। इसके लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बाबत सभी मजदूरों को आश्वासन दिया है कि किसी भी मजदूर को परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य और संयम के साथ काम करे। सरकार पूरी क्षमता से सभी इच्छुक प्रवासियों को वापस लाने का काम कर रही है। आज बिहार पहुंचेगी 35 ट्रेन। कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रवासियों की आवाजाही जारी है। इसी क्रम में आज बिहार में 35 ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर पहुंचने वाली है, जिससे कि 43,000 प्रवासी मजदूर आज अपने घर वापस लौटने वाले हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर सोमवार को 35 ट्रेन आएगी। एसटीईटी परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया जरूरी दिशा निर्देश। बिहार बोर्ड ने सभी एसटीईटी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सभी अभ्यर्थियों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें परीक्षा के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत भी नहीं होगी। एसटीईटी की दोबारा से परीक्षा लेने की तारीख को जारी होते ही अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा। जनवरी महीने में लिए गए एसटीईटी की परीक्षा को बीते दिन पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया था। जदयू समर्थकों ने राजद के खिलाफ जारी किया पोस्टर। कोविड 19 के बीच बिहार में राजनीति जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसी क्रम में जदयू समर्थकों ने राजद के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। जदयू समर्थकों द्वारा जारी किए गए पोस्टर में राजद नेता तेजस्वी यादव को लग्जरी जीवन जीते दिखाया गया है और इसमें तेजस्वी संकल्प का भी जिक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया प्रथम प्रतिज्ञा, प्रथम प्यार, सुखी समृद्ध, सर्वोत्तम अपना परिवार। वहीं जारी किए गए इस पोस्ट में तेजस्वी के नाम को फेलस भी बताया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजद द्वारा गरीबों का नेता साबित करने पर जदयू ने अपनी तरफ से इस पोस्टर को जारी किया है।
लॉकडाउन में 20% तक बढ़ी इंटरनेट की खपत। बिहार में इंटरनेट की खपत 20% तक बढ़ गई है। लोग फेसबुक और यूट्यूब पर खूब समय बिता रहे हैं। गूगल सर्च इंजन पर भी काफी समय बिता जा रहा है। ऑनलाइन न्यूज देखने के लिए, अखबार पढ़ने के लिए और तमाम पुस्तकें स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए, और इसी बीच वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट सीधे इंटरनेट की खपत को बढ़ा दिया गया है। वहीं जानकारी की माने तो 22 मार्च से पहले बिहार में इंटरनेट की खपत 15,000 टेराबाइट थी, वहीं वर्तमान समय 18,000 टेराबाइट है। 21 मार्च से पहले हर दिन सिर्फ 9,000 टीबी की खपत थी, वहीं अब तक यह आंकड़ा 12,000 टीबी तक पहुंच गया है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने पान किसानों की मदद का किया आग्रह। बंद के कारण सभी जगह की फसलों पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि पान के सभी पत्ते खेत में ही दिखाई दे रहे हैं। बंद के कारण बाजार नहीं खुलने से इसकी बिक्री पूरी तरीके से चौपट हो गई है। अब किसानों के सामने अपनी फसल की पूंजी तक बचाने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके तहत बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ललन कुमार ने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के तमाम पान से जुड़े किसान एवं व्यापारी समेत अन्य प्रकार के किसानों की समस्या को देखते हुए पूरे बिहार प्रदेश के लिए सभी किसानों को अविलंब आर्थिक मदद करने की सरकार से आग्रह किया, ताकि किसान, व्यापारी व उनका परिवार भूखा ना रहे। IMA बिहार ने की केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए राहत पैकेज की सराहना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को राहत पैकेज देने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके बाद बिहार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शाखा ने इस पैकेज का स्वागत किया है। जिसके तहत राहत पैकेज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर विमल कारक ने बताया है कि केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को राहत पैकेज दिया गया है, यह सराहनीय है। पैकेज से 50% संतुष्टि मिली है। हालांकि IMA ने स्वास्थ्य कर्मियों को जो बीमा 50 लाख की दी गई है उसे बढ़ाकर 1 करोड़ करने की मांग की है। प्रवासी मजदूरों के कारण बढ़ता जा रहा कोविड 19 के मरीजों का आंकड़ा। प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के बाद कोविड 19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद मामले में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। हालात यह है कि बिहार में 1,000 के पार संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रवासियों की आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से एहतियात के तौर पर सभी मजदूरों की जांच पड़ताल करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मामले संभल नहीं रहे। बंद के चौथे फेज में राज्यों को मिल ज्यादा अधिकार। बंद के तीसरे चरण में अलग अलग राज्यों की तरफ से मांगे लगाई गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से और ज्यादा अधिकार मिलने लगे हैं, जिसके बाद बंद के चौथे चरण में सरकार ने छूट देने का ऐलान जारी किया है। अब 3 के बजाय 5 जोन में सभी इलाके को बांटने का ऐलान जारी किया गया है, जिसके बाद अब सभी राज्य रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन के जरिए संक्रमण के इलाके को कम या ज्यादा के तौर पर बांटेंगे। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह जोन सभी राज्यों के लिए मान्य होने चाहिए। वहीं किस इलाके को किस जोन में डालना है इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर सौंपी गई है। आर्थिक पैकेज के 5वें किस्त में मजदूर, कंपनी और शिक्षा के लिए उठाए गए 7 अहम कदम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश के 5वें किस्त की घोषणा की है, जिसके तहत उन्होंने 7 अहम कदम उठाए जाने की बात कही है, जिसमें सभी सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों का निवेश करना, NCD को लिस्ट कराने वाली कंपनियों को लिस्टेड करना, कोविड 19 की वजह से डूबने वाली कंपनियों पर IBC द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाना, टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा पर जोर देना, रोजगार के लिए 40,000 करोड़ रुपए का देना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख बीमा योजना को जारी करना, साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 2,000 का किस्त देना जैसे ऐलान शामिल। युवराज सिंह के पिता के धोनी के खिलाफ कही गई बातों का कैफ ने दिया जवाब। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने युवराज सिंह के पिता उनकी बातों का खंडन किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी टीम चयन करने में पक्षपात करते हैं, जो इसके तहत उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यूवी के पिता द्वारा कही गई बातें सही है। युवराज छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, उन्हें कुछ और मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन भारत में जब भी कोई खिलाड़ी फॉर्म खो देता है और कुछ मैचों में खराब खेलता है तो उसके लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए धोनी के खिलाफ कही गई बातें बिल्कुल ही निराधार है। वह व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान है और इसलिए उन्हें अपनी टीम चुनने के लिए आजादी दी जाती थी। लॉकडाउन के बीच तेज प्रताप यादव ने किया जनता से संवाद। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कोविड 19 से जारी इस माहौल के बीच बीते दिन जनता से संवाद किया है, जिसके तहत उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता की समस्याओं को जाना है। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने पहले ही सभी आम नागरिकों को जानकारी देते हुए जूम ऐप के जरिए लोगों से जुड़ने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने बीते दिन शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ अपने साथ लोगों को जोड़ा और साथ ही उनकी समस्याएं सुनी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि पहले जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानी को सुना जाता था, लेकिन अब कोविड 19 की इस परिस्थिति में यह सिलसिला आगे जारी रहेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रमेश चौधरी, सृष्टि कुमारी, काजल कुमारी, उदय साकेत, धर्मेंद्र कुमार, नीतीश कुमार, योगी और सन्यासी शेखर, आशीष कुमार, नवल किशोर प्रसाद, आनंद कुमार, राहुल कुमार, प्रमोद कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, लॉकडाउन के चौथे चरण में मिले छूट से आप कितने संतुष्ट? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।